10.2 ब्रीदिंग। सांस लेने और छोड़ने को ब्रीदिंग कहते हैं। खास तौर से सांस अंदर लेने को हम ब्रीथ इन या फिर इनहेलेशन भी कह देते हैं और सांस बाहर छोड़ने को हम ब्रीथ आउट या फिर एक्सहेलेशन भी कह देते हैं। देखिए, सांस लेना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर सांस ना लें तो ऑक्सीजन हमारे पास नहीं जाएगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस काम नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक हमने सांस नहीं ली तो हमारा टाटा बाय बाय भी हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं। अपने नाक और मुंह को बंद कर लिए कुछ सेकंड के लिए, देखिए आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। देखिए, सांस जो है हम हमेशा लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मन किया तो ले लिया, कभी नहीं मन किया तो नहीं लिया। 24 घंटे चाहे हम सो रहे हो, चाहे हमारा ध्यान कहीं भी हो, हम सांस हमेशा ले रहे होंगे। एक मिनट में कितनी ब्रेथ एक इंसान लेता है उसको बोल देते हैं हम ब्रीथिंग रेट। एक बार सांस अंदर लेने और फिर उसके बाद बाहर छोड़ने को एक ब्रेथ कह दिया जाता है। बूझो कह रहा है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक ले तो थोड़ी देर बाद वो बहुत लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेता है। क्यों? ताकि वो जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके हर एक सेल में बॉडी के, उसकी पूरी पूर्ति की जा सके। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका ब्रीदिंग रेट कितना है? क्या वो हर वक्त सेम रहता है या फिर कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है? एक्टिविटी 2 इसी चीज पे है। कह रहे हैं कि आप और आपके दोस्त जो है इकट्ठा हो जाइए एक जगह पे और अपने ब्रीदिंग रेट को चेक करिए। कैसे करेंगे? चेक कर लीजिए कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। उस चीज को आप इस टेबल में लिख लिए। पहले आप अपना और अपने दोस्तों का नाम लिख लिए यहाँ पे, फिर उनका ब्रीदिंग रेट चेक कर लीजिए नॉर्मल कंडीशन में। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए उन्हें चलाइए कि चलने को कहिए, उन्हें बोलिए कि पार्टी दूंगा, वो देखिए चल के दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद चलने के बाद क्या करिएगा आप, फिर से उनका जो ब्रीदिंग रेट चेक करिए, तो ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा बढ़ चुका होगा पहले के मुकाबले। अब उसके बाद उन्हें बोलिए कि 100 मीटर की फास्ट रनिंग करने के लिए, फिर फास्ट रनिंग कराइए उनसे 100 मीटर की, सब खुद भी करिए और बाकी सबसे भी कराइए। और उसके बाद ब्रीदिंग रेट लिख लीजिए आप यहाँ पे, देखेंगे कि बहुत ज्यादा ब्रीदिंग रेट होगा नॉर्मल के मुकाबले आपका। आप हाफना शुरू कर चुके होंगे। और उसके बाद कहिए कि सब आराम से बैठ जाओ, इत्मीनान से थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद आप देखिए ब्रीदिंग रेट कितना है, तो बिल्कुल सबसे कम होगा, नॉर्मल से भी कम, क्योंकि आप आराम कर रहे हैं इत्मीनान से, खड़े भी नहीं है, बिल्कुल बैठे हुए या लेटे हुए हैं इत्मीनान से। तो देखेंगे कि ब्रीदिंग रेट और भी कम हो गया। एक एवरेज इंसान एक मिनट के अंदर 15 से 18 बार ब्रीथ करता है, मतलब कि 15 से 18 ब्रीदिंग रेट होता है उसका। पर कभी कभार अगर हम कुछ हैवी एक्सरसाइज कर लें तो 25 टाइम तक हो सकता है ये। देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि आप जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सांस तो आप लंबी लंबी लेते ही हैं, साथ में आपको भूख भी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए लगना शुरू हो जाती है कि इंसान को एनर्जी बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो हवा की नहीं, या कहें तो आप ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ आपको ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन तो आप ले लेते हैं हवा से, पर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? वो तो तभी मिल पाएगा ना जब आप खाना खाएंगे, इसलिए आपको भूख भी लगना शुरू हो जाती हैवी एक्सरसाइज करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप सोचिए कि जब आप सो रहे हो या फिर आराम से जब आप सुस्त बैठे हो तो बहुत स्लो स्लो सांस ले रहे होते हैं आप, तो क्या वो इनफ है आपके लिए? क्या आपके पास जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी आपकी बॉडी में? तो उसका जवाब है नहीं, नहीं होगी कमी। क्यों? क्योंकि आप कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहे, बॉडी को कोई इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो ऑक्सीजन लेकर वो करेगा क्या? थोड़ी बहुत ऑक्सीजन से ही वो काम चला लेता है कि आप, इसीलिए आपका जो ब्रीदिंग रेट स्लो होता है उस टाइम पे। एक्टिविटी 3 में अलग अलग काम दिखाए हैं दिन भर के, उसमें से आप बताइए सबसे हाई एनर्जी किस चीज में लगने वाली है और सबसे कम एनर्जी किस चीज में लगेगी। सबसे कम एनर्जी तो देखिए मेरे हिसाब से सोने में लगती है सबसे कम एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी जब खेलते हैं हम तब लगती है, और उसके बाद जो है बीच में बाकी सारी एक्टिविटीज आ जाती है। पहली पूछ रही है कि जब हम सुस्त बैठे होते हैं तो हम औंगते क्यों है या फिर जमाई क्यों लेते हैं? तो इसका जवाब है कि कभी कभार जब हम सुस्त बैठे होते हैं ना तो हमारा ब्रीदिंग रेट तो स्लो होता ही है, कई बार और ज्यादा ही स्लो हो जाता है थोड़ा सा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए जब हम यॉन करते हैं या फिर कहें तो जमाई लेते हैं, तो अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे जो फेफड़ों में आता है और अच्छे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए हम औंगते हैं, ठीक है। 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे कर पाते हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इस चीज को हम आइए एक डायग्राम से समझें। देखिए, हवा को हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हमारे नाक के जरिए जा सकती है वो फेफड़ों में, या फिर हमारे मुंह के जरिए जा सकती है। नाक के रास्ते जाएगी तो उसको बोलेंगे हम नेजल पैसेज से गई, ठीक है, या फिर ओरल कैविटी से गई, दोनों से एक ही तरफ जाना है उसको गले में। अब गले में आती है तो आगे जाकर दो रास्ते आते हैं, या तो वो ईसोफेगस के जरिए पेट में आ सकती है हवा, पर ऐसा करने नहीं देती हमारे शरीर उसे। हमारे शरीर से क्या होता है, एक और पाइप कटती है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या करता है, हमारे जो गला है हमारे गले को कनेक्ट कर देता है हमारे लंग्स से, तो वो हवा हमारी सीधे आती है लंग्स में, ना कि पेट में। जबकि जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, वो ईसोफेगस के रास्ते हमारे स्टमक में चले जाता है खाना,
तो बीच में से एक डिवाइडर होता है जो इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देता है। वो काफी स्मार्ट होता है, वो देखता है जब हवा है तो उस सारी हवा को ले आना है फेफड़ों में ट्रेकिया के जरिए, जबकि हम खाना खाएंगे तो उस सारे खाने को कहाँ ले आएगा, वो ईसोफेगस के जरिए पेट में। अब हमारे फेफड़े तो अपना काम अंदर जाने के बाद हवा कर ही लेते हैं। अब फेफड़ों को कवर करने के लिए कुछ हड्डियां होती हैं जिनको हम बोल देते हैं रिब्स, मतलब पसलियां। पसलियों के सेट्स हैं 12 सेट्स जिन्होंने घेर रखा है हमारे दोनों लंग्स को। घेरने की वजह यही है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और लंग्स के अलावा भी कुछ अंदर अंदरूनी हिस्से हमारे कुछ ऑर्गन्स जिनको वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम गिर जाएं या फिर कोई चोट लग जाए तो उसे वो झेल सके। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पर ऐसा दिखने में लग रहा होगा जैसे बोन है, पर ये बोन नहीं है, एक तरह की मसल है डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है इसका काम है पुश करना लंग्स को। अब वो पुश क्यों करेगा, सोचिए अगर लंग्स को पुश ना किया जाए तो सांस अंदर से बाहर वापस कैसे जाएगी। हम जो सांस छोड़ पा रहे हैं, जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूँ उसे तो छोड़ पा रहा हूँ, तो कैसे, हमारे लंग्स ने खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा ना अपने आप को, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है डायफ्राम के जरिए। डायफ्राम ने जो है धक्का लगाया हमारे मसल्स के ऊपर लंग्स के, और हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ गए, और सिकुड़ गए तो अंदर की सारी हवा, मतलब कि सारा जो पूरी हवा थी और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड था सब बाहर चला गया एनवायरनमेंट में। जबकि जब हमें सांस लेना होता है तो डायफ्राम पीछे चले आता है नीचे की तरफ, जब पीछे चले आएगा डायफ्राम तो जगह बन जाएगी अच्छी खासी लंग्स के फैलने के लिए, तो लंग्स फैल जाएंगे ताकि हम सांस अंदर ले सकें ऐसे। तो सांस लेने के लिए अच्छी खासी हवा अंदर आ जाती है, फिर उसके बाद जो है दोबारा से वही प्रोसेस डायफ्राम का ऊपर नीचे होना चालू रहता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ डायफ्राम ही ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि हमारी जो पसलियां हैं उनका पूरा सेट जो है, सारी पसलियां मिलके जो हमारे रिब केज कहलाती हैं, रिब केज इसलिए बोलते हैं ताकि केज इसलिए ताकि वो पिंजरा कहलाता है। पिंजरा कहलाता है किस चीज के लिए, जिससे वो सारे तरह के ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन सबको सेफ रखता है। तो पूरा रिब केज भी फैलता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड करता है और फिर थोड़ा सा ऊपर भी उठता है जब हम सांस लेते हैं तो, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो नीचे थोड़ा सा आ जाता है रिब केज। अब आप ध्यान देंगे तो सांस लेते टाइम हमारा जो सीना थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैलता है, देखा होगा आपने, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सीना नीचे आ जाता है थोड़ा सा, है ना, मतलब कि हमारा पूरा रिबकेज थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है क्योंकि हवा नीचे भर गई होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिबकेज थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और साथ ही साथ ऐसे भी फैलता है हल्का सा रिबकेज। अब आप सोचेंगे हड्डियां फैलेंगी कैसे, तो हड्डियां साथ में जुड़ी होती है, वो थोड़ा सा जगह बना लेता है फैलने के लिए, है ना, हड्डियों के बीच में थोड़ा सा इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि हड्डियां जो है जगह बनाती हैं दूसरे इसे फैलने देने के लिए, थोड़ी सी जगह बना लेती है हड्डियां हमारे रिबकेज की, थोड़ी ऊपर जाके और थोड़ा सा ऐसे फैल के, ठीक है, बीच में जॉइंट्स हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं। इस बॉक्स में कह रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर सिर्फ हवा ही थोड़ी होती है, हवा के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धुआं वगैरह होता है, वो सारी चीज होती है जिससे लेने के बाद हमारे शरीर में कुछ फायदा तो होने नहीं वाला बल्कि नुकसान और हो जाएगा, फेफड़े गंदे हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं जिनका काम होता है इन सारे अनवांटेड पार्टिकल्स को रोक देना। अब क्या होता है कई बार हमारे बाल से भी आगे पहुंच जाते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, तो क्या करते हैं हम छींक देते हैं तो हमारा शरीर क्या करता था, उन सारे पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है। अच्छा, ये चीज को ध्यान रखना चाहिए हमें, जब भी हम छींकें तो हमें मुंह के ऊपर कोई कपड़ा या फिर हाथ रख लेना चाहिए ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत ना उससे, ठीक है। एक्टिविटी 10.4 बहुत ही आसान है, कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने चेस्ट को मेजर करिए। पहले तो आप सांस लेकर मेजर करिए, फिर उसके बाद सांस छोड़कर मेजर करिए। अब देखिए दोनों में जो मेजरमेंट है उसमें कोई फर्क आया क्या, जाहिर सी बात है फर्क आया होगा, जब आपने सांस लिया होगा मतलब इनहेलेशन करी होगी, हवा अंदर आई तो आपका सीना थोड़ा सा चौड़ा हो गया, आपका रिब केज थोड़ा सा फैल गया, जबकि आपने जब सांस छोड़ी है मतलब कि एक्सहेलेशन करी तब आपने हवा बाहर छोड़ दी है, अंदर जगह खाली बच गई है, इसलिए आपका रिब केज थोड़ा सा सिकुड़ गया है। और क्लास में भी कुछ बच्चों का करिए आप अपने साथ साथ, उनका नाम लिख लिए और जो है जब सांस लें तो उस टाइम पे क्या मेजरमेंट आई चेस्ट की सेंटीमीटर में वो लिख लिए, फिर उसका जब सांस छोड़ी तब क्या मेजरमेंट आई और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया वो दिख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये मेजरमेंट कर रहे हैं वैसे आप भी मेजरमेंट करिएगा। एक्टिविटी 5 से हमें समझ में आएगा कि हमारे जो ब्रीथ होती है उसका मैकेनिज्म क्या है। कह रहे हैं कि इस तरह की एक बोतल तैयार कर लीजिए आप। इस बोतल को आप कैसे तैयार करेंगे, एक बोतल को आधा काट लिए पहले तो आप बीच से, और उसके बाद यहाँ पर लगा लिए एक गुब्बारा कटा हुआ, ठीक है, कटा हुआ गुब्बारा यहाँ पे आपने लगा लिया रबर बैंड से या फिर ग्लू से कैसे भी करके फिक्स कर लीजिए इस गुब्बारे को। अब क्या करिए आप कि ऊपर जो है ना एक प्लास्टिक ऐसा या फिर कोई ऐसी चीज जो कि एयर टाइट कर दे इस बोतल को, बोतल का आगे का जो हिस्सा होता है उसे, और उसके बाद अंदर जो है एक ट्यूब के जरिए, ठीक है, बड़ा मुश्किल होने वाला है बनाना पर सोचिएगा किस चीज का इस्तेमाल किया जाए। एक पाइप लाइए जिसके दो हिस्से हो, पाइप के दोनों से हवा आर पार हो सकती हो, और जो एक वो पाइप बाहर तक होना चाहिए ना, मतलब बाहर निकला हुआ होना चाहिए, और बाकी आसपास में एयरटाइट हो, ठीक है, मतलब ये बोतल तो एयरटाइट है पर ये पाइप एयरटाइट नहीं है। अब पाइप के दोनों हिस्से पे छोटे छोटे बलून्स लगा दिए। अब आप क्या करिए, देखिए इस गुब्बारे को जैसे आप नीचे खींचेंगे ना ये दोनों बलून्स फूल जाएंगे,
क्यों फूलेंगे? क्योंकि अंदर बन गया वैक्यूम और ये जो है ना बलून को फैलने की जगह मिल गई अच्छी खासी, तो बलून फैलेंगे। कैसे फैलेंगे? बाहर से हवा लेके, ठीक है, बाहर से हवा लेके फूल जाएंगे बलून। जबकि आप इस गुब्बारे को अंदर की तरफ धकेलेंगे ना, अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ये दोनों बलून पिचक जाएंगे और अपनी हवा को बाहर फेंक देंगे। और यही हमारा जो है मैकेनिज्म होता है सांस लेने का और छोड़ने का। ये जो नीचे आपने आधा कटा हुआ बलून लगाया था ना, ये एक डायफ्राम की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में डायफ्राम काम नहीं करता, धक्का नीचे से ऊपर देता है, तो क्या होता है, हमारे दोनों फेफड़े पिचक जाते हैं और अंदर की हवा को बाहर छोड़ देते हैं। जबकि जब हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, नीचे की तरफ फैल जाता है जब, तो फैलने की जगह दे देता है वो हमारे दोनों लंग्स को, और हमारे लंग्स फैल जाते हैं और हवा अंदर ले लेते हैं अपने। देखा कितनी आसानी से हम समझ गए कि हमारे लंग्स किस तरीके से काम करते हैं। यही यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने दोनों बलून्स में कोई बदलाव देखा? बिल्कुल देखा, कि हमने जब खींचा इसको नीचे की तरफ, जैसे डायफ्राम हमारा नीचे आता है, दोनों बलून्स फूल गए बाहर से हवा लेके, और जब हमने नीचे धक्का दिया तो दोनों बलून्स पिचक गए। अब अगला सवाल पूछ रहे हैं कि ये दोनों बलून्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीचे का जो कटा हुआ बलून है वो किस चीज को, या फिर रबर का जो शीट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे की जो रबर की शीट है ना, जिसे आप खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, वो एक डायफ्राम की तरह डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये दोनों गुब्बारे हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।